अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। नरेंद्र गिरी की मौत पर राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का देवहस्वत अत्यंत दुखद है। आत्मतर्की परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपको ये भी बता दें, इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों के स्थान व उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ब्रह्मी लीन होना आध्यात्मिक जगह की अनुपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि आखिर ये जो तस्वीरें आई, ये जो घटना आई है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? कौन लोग थे? क्यों मारना चाह रहे थे? अगर इन्होंने आत्महत्या भी की है तो क्यों की है? और जिसने अगर हत्या हुई है तो फिर इसके पीछे कौन है? तो इसमें पुलिस की जिम्मेदारी है। और जाँच के बाद धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर इसके पीछे किसका षड्यंत्र था। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPNI News।